बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। जी, आज हम लोगों ने जियो का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है पेज नंबर 10 और 11 पर, और वो है हमारा टॉपिक बरे आजम। ठीक है, जियो की बुक का आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है, बरे आजम, और वो पेज नंबर आपका 10 और 11 पर है। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज 10 11। सबने अपनी बुक्स ओपन कर ली है? यस सर। यस मैम। जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बरे आजम। बरे आजम क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने जब जमीन की जिसामत मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो जमीन की सतह का रकबा है वो कितना है। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि जमीन की सतह का रकबा कितना है? मरियम जावेद, आप मुझे बताएं जमीन की सतह का रकबा कितना है? किसी को नहीं पता जमीन? मैंने आप लोगों को जमीन की जमीन की सतह का रकबा तकरीबन 510 मिलियन रब्बा किलोमीटर है। गुड, जो जमीन की सतह का जो रकबा है वो कितना है? 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। यह है जमीन की सतह का रकबा। जमीन की सतह का रकबा कितना है? 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि हमारी जो जमीन है इसमें तकरीबन तकरीबन जो है वो 29% जो हिस्सा है वो सिर्फ खुश्की पे है, मतलब ड्राई है, और बाकी जो 71% है वो क्या है, किस पर मुश्तमिल है? पानी पर मुश्तमिल है। हमारी जो जमीन है उसका 29% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है कि जहां पे पानी नहीं है। जैसे कि हम जमीन जहां पे हम रह रहे हैं, हमारा ये शहर हो गया या जितने भी शहर है, वो सारा हिस्सा जो है वो क्या है, 29% है, और जितना पानी है हमारी जमीन पर वो कितना है, 71%। ठीक है, हमारी जमीन का 71% जो हिस्सा है वो किस पर मुश्तमिल है? पानी पर। 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि 29% जो हिस्सा है वो किस पे है, खुश्की पर मुश्तमिल है। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं बरे आजम क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको जमीन जो है हमारी, आपको पता है 29% जो है वहां पे खुश्की है। अब ये जो 29% खुश्की का हिस्सा है, इसको 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। खुश्की के हिस्से 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, बरे आजम। ठीक है, जमीन का वो हिस्सा जो खुश्की पर मुश्तमिल है और उसको हमने 7 हिस्सों में डिवाइड किया, 7 पोर्शन में उसको डिवाइड किया, उसको क्या कहा जाता है, बरे आजम। सबको क्लियर हुआ बरे आजम किसे कहते हैं? यस मैम। गुड, अब दुनिया में जो है वो 7 बरे बरे आजम मौजूद है। ठीक है, पहले ये था कि जितने भी जो थे ना खुश्की का हिस्सा वो एक ही था, उसको हम पेंजिया बोलते थे, या फर्दर 7th क्लास में 8th में डिस्कस करोगे, तो खुश्की का एक ही सिर्फ बड़ा हिस्सा था, लेकिन जमीन की जब हरकत हुई उसकी वजह से ये 7 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो अब ये जो 7 हिस्से खुश्की के हैं इसको हम कहते हैं बरे आजम। अब दुनिया में 7 बड़े बरे आजम है, उनमें से आज हम 3 को डिस्कस करेंगे और फर्दर जो 4 है वो इनशाला हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा है एशिया। पहला हमारा कौन सा है? एशिया। एशिया, एशिया। अब एशिया, एशिया कौन सा है? आप लोगों ने नाम सुना ना, जनूबी एशिया, ये एशिया नाम सुना हो ना एशिया का? यस मैम। जैसे कि पाकिस्तान एशिया में है, भारत है, इस तरह। अब एशिया जो है, जनूबी सॉरी बरे आजम एशिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा बरे आजम है। कौन सा बड़े बरे आजम है? एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा बरे आजम है। कौन सा? एशिया। सबसे बड़ा बरे आजम, खुश्की का सबसे बड़ा जो बरे आजम है वो क्या है, एशिया है। अब ये जो बरे आजम है, पेज नंबर क्या है बेटा? पेज नंबर 10 और 11 है। पेज नंबर 10 11। पेज 10 और 11 है।
पेज नंबर हमारे पास है 10-11, इसमें हम पढ़ रहे हैं एशिया दुनिया का, या कह लें कि खुश्की का जो हिस्सा है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो क्या है, कौन सा सबसे बड़ा बर आजम है, एशिया। अब एशिया जो बर आजम है इसके मशरिक में बहर अल काहिल वाक्या है, इसके मशरिक में क्या वाक्या है, मशरिक में क्या है इसके, बहर अल काहिल, किसके मशरिक में, एशिया जो है एशिया के मशरिक में बहर अल काहिल वाक्या है, जबकि इसके मगरिब में, मगरिब में है यूरोप, मगरिब में बरे आजम यूरोप है, एशिया जो है उसके मशरिक में बहर अल काहिल वाक्या है, मगरिब में बरे आजम यूरोप, जो आप आगे पढ़ोगे। मैंने कहा ना सात बरे आजम है, उनमें से आज हम जो है वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तीन बरे आजम को डिस्कस कर रहे हैं, और फर्दर जो है वो इंशाल्लाह जो चार है वो कल डिस्कस करेंगे। तो जो एशिया सबसे बड़ा बरे आजम है इसके मशरिक में बहर अल काहिल वाक्या है, इसके मगरिब में बरे आजम यूरोप वाक्या है, और इसके शुमाल में बहर शुमाली वाक्या है, इसके शुमाल में क्या है, बहर शुमाली, और इसके जनूब में क्या है, बहर हिंद। कौन सा सब्जेक्ट है जनूब में, बहर हिंद वाक्या है, ये क्या है, में कौन सा सब्जेक्ट है, जियो है, जियो का बेटा, जियो सब्जेक्ट का आपका लेक्चर हो रहा है, पेज नंबर 10-11 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने आपके साथ अटेंडेंस नहीं लगनी, अटेंडेंस, यस मैम, वो आप अपना कैंपस शो कर लें, वो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, आप अपना कैंपस शो करें। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि दुनिया में सात बड़े बरे आजम है, ठीक है, खुश्की के जो बड़े बड़े हिस्से हैं, सात हिस्से हैं, उनको हम कहते हैं बरे आजम, और ये सात बरे आजम है, उनमें से पहला जो बरे आजम है जो सबसे बड़ा है वो क्या है, एशिया, इसके मशरिक में क्या है, बहर अल काहिल वाक्य है, इसके मशरिक में बहर अल काहिल वाक्य है, इसके मगरिब में बरे आजम यूरोप वाक्य है, इसके शुमाल में बहर शुमाली, और जनूब में बहर हिंद वाक्य है, ये कौन सा हमारा जो बरे आजम है, एशिया, जो कि सबसे बड़ा बरे आजम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अफ्रीका, अफ्रीका, अब ये जो बरे आजम है ये दुनिया का दूसरा बड़ा बरे आजम है, अफ्रीका जो बरे आजम है ये दुनिया का दूसरा बड़ा बरे आजम है, इसके मशरिक में क्या है, इसके मशरिक में बहर हिंद वाक्य है, बहर हिंद, इसके मशरिक में, मैम जी आप क्या करवा रही हैं, मैंने अभी ऑनलाइन क्लास ली है बेटा, जियो की क्लास हो रही है, पेज नंबर 10-11, इसके मशरिक में बहर हिंद वाक्य है, बच्चों को गए अपना कैमरा बंद करें, आपकी पिक्चर नहीं आती, रीडिंग हो रही है बेटा, जियो की क्लास हो रही है, ये आपकी जियो की क्लास हो रही है, रीडिंग है ये जो आप करवा रही हैं, नहीं रीडिंग नहीं करवा रही, हाँ मैं आपको समझा रही हूँ कि जो आज हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करें, वो हम मैं आपको समझा रही हूँ। पहला बरे आजम कौन सा है, सबसे बड़ा एशिया, अब दूसरा है अफ्रीका, ठीक है, इसके मशरिक में बहर हिंद वाक्य है, इसके मगरिब में बहर ओकियानूस वाक्य है, इसके मगरिब में, मगरिब में क्या है, बहर, आपने जी स्टूडेंट्स आपने इसके क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वही बेटा, अभी क्वेश्चन आंसर पे तो हम गए ही नहीं, अभी तो हमारा चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे ना हम लोग, अभी इसका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, समझ आ गई। अब हम डिस्कस करें दूसरा जो बड़ा बरे आजम है अफ्रीका, इसके मशरिक में बहर हिंद वाक्य है, इसके मगरिब में बहर ओकियानूस वाक्य है, जबकि शुमाल जो है वहां पे एक छोटा सा समंदर है, शुमाल में क्या है, एक छोटा सा समंदर, मैम। और लास्ट पे क्या आ जाता है, जनूब, जनूब में क्या वाक्य है, बहर जनूबी, जनूब में क्या वाक्य है, बहर जनूबी,
ठीक है, ये हमारे दो बरेआजम कवर हो गए। सबसे पहला बरेआजम है एशिया, जो कि कहाँ वाक़ है, दुनिया का सबसे बड़ा बरेआजम है। इसके मशरिक में बहर अलकाहिल है, इसके मगरिब में बरेआजम यूरोप वाक़ है, इसके शुमाल में बहर शुमाली, जबकि जनूब में बहर हिंद वाक़ है। फिर दूसरा बड़े बरेआजम कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका के मशरिक में क्या वाक़ है, बहर हिंद वाक़ है, जबकि इसके मगरिब में बहर ओकियानूस, शुमाल में एक छोटा सा समंदर और जनूब में बहर जनूबी वाक़ है। ये हमारे दो हो गए। अब जो थर्ड हमारा है वो क्या है, शुमाली अमरीका। जो थर्ड आपका है वो क्या है, शुमाली अमरीका। ये दुनिया का या कह लें कि तीसरा बड़े बड़े आजम है शुमाली अमरीका, ये तीसरा बड़ा बड़े आजम है। अब इसमें क्या है, इसके मशरिक में बहर ओकियानूस वाक़ है, किसके, शुमाली अमरीका के मशरिक में बहर ओकियानूस वाक़ है। उसके बाद मशरिक के बाद क्या आएगा, मगरिब। अब मगरिब में क्या वाक़ है, बहर अलकाहिल। मगरिब में क्या है, बहर अलकाहिल, गुड। उसके बाद आ जाता है शुमाल। अब शुमाल में इसके क्या है, बहर शुमाली। शुमाल में इसका है बहर शुमाली। बहर शुमाली और जो लास्ट है जनूब, जनूब में इसके वाक़ है जनूबी अमरीका, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। जनूब में क्या वाक़ है, जनूबी अमरीका, अमरीका। ठीक है, दुनिया में हम दोबारा से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया, हम लोगों ने जमीन की जो जसामत जब हमने पढ़ी तो उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो जमीन की जो सतह का रकबा वो है कितना, 510 मुरब्बा मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। फिर जो है बरेआजम क्या होता है, दुनिया में खुश्की के 7 बड़े हिस्से हैं। ठीक है, दुनिया में खुश्की के 7 बड़े हिस्से हैं और इन हिस्सों को क्या कहा जाता है, बरेआजम। आज हमने उनमें से 3 डिस्कस किए हैं। सबसे पहला क्या था, एशिया। एशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बरेआजम है। इसके मशरिक में बहर अलकाहिल है, इसके मगरिब में बरेआजम यूरोप वाक़ है, इसके जो शुमाल है वहां पे बहर शुमाली, जबकि जनूब में बहर हिंद वाक़ है। उसके बाद हमने डिस्कस किया अफ्रीका, जो कि है दूसरा बड़ा बरेआजम। ठीक है, अब इसके क्या है, मशरिक में बहर हिंद वाक़ है, मगरिब में क्या है, बहर ओकियानूस, शुमाल में एक छोटा सा समंदर, जनूब में क्या इसके वाक़ है, बहर जनूबी। लास्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया है शुमाली अमरीका, जो कि तीसरा बड़ा बरे आजम है। इसके मशरिक में क्या है, बहर ओकियानूस, मगरिब में बहर अलकाहिल, शुमाल में बहर शुमाली, जबकि जनूब में जनूबी अमरीका। ये आज हमारा छोटा सा जो हमने टॉपिक है उसको कवर किया। अब मुझे बताएं, इससे रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो मैम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इट्स शाज़ेब हसन। शाज़ेब हसन, आप मुझे ये बताएं कि बरेआज़म किसे कहते हैं। शाज़ेब हसन, शाज़ेब आप मुझे सुन रहे हो, अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करें और मुझे बताएं। शाज़ेब, अच्छा आप में से कोई और बताना चाहे मुझे बरेआज़म। यस मैम। जी बताएं। बरेआज़म उसे कहते हैं जिस जो हिस्से को हम लोग 7 हिस्सों पर डिवाइड कर दें उसे हम लोग बरेआज़म कहते हैं। किसको 7 हिस्सों पर डिवाइड करते हैं, वो जो खुश्की के हिस्से होते हैं। जी, जो हमारी जमीन में 29% खुश्की है उसको 7 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो वो जो 7 हिस्से हैं उनको बोला जाता है बरेआजम। खुश्की के 7 बड़े हिस्सों को बरेआजम कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कितने बरेआजम हैं हमारी जो जमीन में। 7 बरेआजम। 7 बरेआजम है। 7, गुड। सबसे बड़ा बरेआजम कौन सा है, कौन बताएगा ये। एशिया। एशिया, गुड। अच्छा, और दूसरा बड़ा बरेआजम कौन सा है। अफ्रीका, गुड। और जो थर्ड पे है वो कौन सा है। नॉर्थ अमेरिका। शुमाली अमेरिका, गुड। ये हमने आज जो है वो 3 जो बरेआजम है उनको डिस्कस किया है। कल हम फर्दर जो है बाकी 4 जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे।
नो मैम। अपने हिस्ट्री के लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है? आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स ओपन कर लें सारे स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री की बुक का जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हिस्ट्री के बुक का आज हम पेज नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री की बुक का पेज नंबर 5 और 6। हिस्ट्री की बुक का पेज नंबर 5 6 ओपन कर रहे हैं आप लोग सारे। टीचर आपकी पिक नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? वीडियो नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही आपकी? वीडियो नहीं आ रही। वीडियो आपको नहीं आ रही बेटा, आप अपना चेक करें सिस्टम को, बाकी सबको तो आ रही है। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 5 और 6। बुक हमारी कौन सी है? हिस्ट्री की। टॉपिक हमारा है, हम लोग वादिय सिंध को ही डिस्कस कर रहे थे, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि इसके माशर्ती निजाम और इसके जो नुमाया खदुखाल है, मतलब इसके जो नुमाया चीजें हैं उस माशरत में वो कौन कौन सी है, आज हम वो डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारा है माशर्ती निजाम और इसके खदुखाल, ठीक है? ये हमने डिस्कस करना है। हमने पीछे डिस्कस किया था कि वादिय जो सिंध है उसकी अपनी हम असर तहजीबों के साथ, मतलब जो उसके साथ जो तहजीबें जिस दौर में परवान चढ़ी थी उन तहजीबों के साथ ताल्लुकात कैसे थे, वो हमने डिस्कस किए। आज जो हमने डिस्कस करना है कि उसका निजाम कैसा था, वहां पे कैसी चीजें होती, लोग कैसे रहते थे, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, माशर्ती निजाम क्या है इसका, कि जो वादिय सिंध की तहजीब है वहां पे जो कारोबारी जिंदगी है वो एक बकायदा सिस्टम के तहत चलता था, ठीक है? कहां पे? वादिय सिंध की तहजीब में जो कारोबारी जिंदगी है, जो लोग कारोबार करते थे, काम काज करते थे, वो बकायदा एक सिस्टम के तहत चलता था, ठीक है? वहां पे जो लोग है वो नाप तोल पूरा करते थे, ये नहीं करते थे कि कम तोल दिया, नहीं, सिस्टम प्रॉपर था, नाप तोल पूरा करते थे, हर चीज जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से वो जो है वो चलाते थे। फिर गलियों की सफाई के लिए या रास्तों की सफाई के लिए मुलाजिम होते थे जो कि गलियां साफ करते, जैसे अब यहाँ पे होते हैं, सड़कें साफ होती है ना, जब हम सुबह उठते हैं, हम सुबह आप स्कूल आते हो, आप देखते हो सड़कें साफ सुथरी हैं, ठीक है? तो वो जो जो काम करते हैं, जो स्वीपर है, उन्होंने, उनका ये काम है कि उन्होंने इसको सफाई कर देनी है इसकी। इसी तरह वहां पे क्या होता था वादिय सिंध की तहजीब में भी, वहां पे जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, उनकी सफाई के लिए मुलाजिम होते थे जो कि वहां पे आके सफाई करते थे। क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि वादिय सिंध की जो तहजीब है वहां पे क्या होता था कि यहाँ का जो माशरा था, जो वादिय सिंध की तहजीब है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स थे, ठीक है? मुख्तलिफ पार्ट थे। इसका अंदाजा हमें ये कैसे पता चलता है कि जब हम शहर को देखते हैं, जो वादिय सिंध की तहजीब के जो शहर है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उसको अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो शहर का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो शहर का अपर पार्ट है, वहां पे रहते थे अमीर लोग, ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा था, जिनके पास बहुत असर रसूख था, वो लोग कहाँ रहते थे? अपर पार्ट में। शहर का जो ऊपर वाला हिस्सा था, वो शहर जो है वो कैसा है, ढलवान की सूरत में था, तो ऊपर वाला जो हिस्सा था वहां पे रहते थे अमीर लोग, ठीक है, वो रहा करते थे, और उनके घर बहुत बड़े बड़े होते थे। जो अमीर लोग थे उनके घर क्या थे? बड़े बड़े होते थे। उन्होंने मुलाजिम रखे होते थे, किसके लिए? काम काज के लिए, और उन मुलाजमों के लिए भी उन्होंने छोटे छोटे क्वार्टर्स बनाए होते थे अपने घर के साथ ही, ठीक है, सर्वेंट क्वार्टर जिसे कहते हैं, वो उन्होंने बनाए होते थे। कौन रहते थे वहां पे? अमीर लोग। शहर के ऊपर वाला जो हिस्सा था वहां पे अमीर लोग रहते थे, जबकि ज्यादा जो गरीब लोग थे वो कहाँ रहते थे? शहर के नीचे वाले हिस्से में। और वहां पे ज्यादा जो लोग थे, जो वादिय सिंध की तहजीब में ज्यादा लोग क्या थे? गरीब थे। अमीर कम लोग थे, गरीब जो थे वो ज्यादा लोग थे। अब जो गरीब लोग थे वो कहाँ रहते थे? शहर के निचले हिस्से में, छोटे छोटे उनके मकान होते थे, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो वहां पे किसान होते थे, जो ये फसलें उगाते थे, वो गांव में रहते थे और वो काम करते थे अपनी खेतों में, अपनी फसलों में। और जो खाना बदोश क्या होते हैं कि जो कुछ दिन एक जगह स्टे किया, कुछ दिन दूसरी जगह स्टे किया, जैसे आप देखते हैं ना, अक्सर आप जा रहे होगे तो वो खाना बदोश होते हैं, उन्होंने अपने ना टेंट लगाए होते हैं, देखे ना, टेंट वगैरह लगाए होते हैं, तो वो कुछ अरसा एक जगह स्टे करते हैं, उसके बाद दूसरी जगह मूव कर जाते हैं,
उनको हम कहते हैं खानाबदोश। तो वो जो खानाबदोश थे वो क्या करते थे, वो जगह बदल बदल के रहते थे, अपने साथ जो है वो मवेशी हैं उनको लेके जाया ले जाते थे और उनको अपने जो मवेशी हैं उनको चराया करते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो ताजर थे, ताजर क्या है, जिन जो के तिजारत करते हैं, वो भी शहर के ऊपर वाले हिस्से में रहते थे। जो ताजर थे वो भी शहर के ऊपर वाले हिस्से में रहते थे और जो गरीब लोग थे वो शहर के नीचे वाले हिस्से में। दूसरा हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस तहजीब में मर्द और औरतें दोनों काम करते थे, ठीक है। मर्द भी काम करते थे, औरतें भी काम करती थी। मर्दों के काम डिफरेंट थे, औरतों के काम डिफरेंट थे।